नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर। आज हमारे साथ है लर्नर ऑफ द वीक और हम इनके साथ कुछ बातें करेंगे। कैसी रही इनकी जर्नी अपनी पढ़ाई में अभी तक, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं और बहुत सारे इनपुट्स ये आपको देंगी। आपके अगर कोई डाउट्स है वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये भी एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, कैसे क्या फेस करते हैं, एक एक स्टूडेंट से हम हर वीक में कुछ ना कुछ बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात किया, आज जो हमारे पास कैंडिडेट है उनसे भी हम बात करेंगे। हो सकता है कि आपकी और इनकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सेम रही होगी, तो आज आपको उसका सोल्यूशन भी मिल सकता है। ठीक है, तो वेलकम, हमारे साथ है डिम्पल सचदेवा। डिम्पल वेलकम टू वाईफाई स्टडी स्टूडियोज एंड अकेडमी। ओके, सो आई होप डिम्पल आपको मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है। ओके, सो डिम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं तैयारी आप? सारे बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, IBPS, RRB क्लर्क, RRB PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क PO, ऑल बैंक एग्जाम्स। और मेरे को लगभग 9 मंथ टू 12 मंथ हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए और मैंने 2-3 एग्जाम्स दिए भी। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट आपको 1 साल हो गया है और इस 1 साल में आपने कुछ एग्जाम्स दिए भी है ना, तो क्या क्या रहा आपका, उसका रिजल्ट क्या रहा? अभी पहले मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी तो मैंने देखने के लिए दिया था कि एग्जाम्स आते किस पैटर्न में है और वहां जाके क्या होता है, कैसा फील होता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है। तो फर्स्ट एग्जाम को मेरा नहीं अच्छा होता क्योंकि मैं विदाउट प्रिपरेशन थी। फिर धीरे धीरे मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी बढ़ती गई और रीजनिंग मैंने सिर्फ आपसे ही सीखी है, रीजनिंग मेरी अच्छी है और सिर्फ आपकी की वजह से अच्छी है। और अब मैथ्स और इंग्लिश भी मेरी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और अभी मैंने SBI क्लर्क भी भरा हुआ है और RRB भी भरा हुआ है। तो जैसे कि डिम्पल, यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे, तो अगर आप उनको बता सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स बैंकिंग में आपने प्रिपेयर किए हैं और कौन से आते हैं एग्जाम में? प्री में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आता है। रीजनिंग 35 मार्क्स, मैथ्स 35 मार्क्स और इंग्लिश 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स आता है 16 मैथ्स के लिए। एंड फिर मेंस में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी आते हैं। ओके, और कंप्यूटर भी आते हैं रीजनिंग के साथ। ओके, So, like, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि प्री और मेंस दोनों साथ में ही लेके चले और एडिटोरियल जरूर पढ़े इंग्लिश के। ओके, सो ये आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया कि मतलब ऐसा नहीं कि काफी स्टूडेंट्स करते हैं कि यार अभी तो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर टाइम बचेगा तो हम कर ले। तो जहां तक आपको भी पता होगा कि प्री और मेंस के बीच में शायद बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता है, हार्डली हमें 20 दिन से 25 दिन मिलता है बस, है ना? तो क्या उस ड्यूरेशन में हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं मेंस की? नहीं सर, प्री और मेंस की साथ में ही अभी से करनी चाहिए। ओके, लाइक हम लोग 1 वीक में अगर 2 मॉक टेस्ट प्री के लगा रहे हैं तो 1 मॉक टेस्ट हमें मेंस का लगाना चाहिए। ओके, सो लाइक एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, हमारे साथ बहुत सारे बैंकिंग के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो बैंकिंग में अब IBPS भी हो गया और RRB भी है ना, ग्रामीण बैंक जिसको हम बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपने आप दोनों एग्जाम दिए होंगे, मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, तो उनका लेवल आपको बस आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा इजी है क्रैक करता? क्रैक करने के लिए तो SBI और IBPS क्लर्क ज्यादा इजी है क्योंकि उसका रीजन है RRB क्लर्क अगर आप जाओगे ना देने वो लेवल इजी आता है बट उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 80 में से 75 प्लस जाती है, तो वो क्रैक करना सबके लिए उतना इजी नहीं रहता है। RRB PO आप कर सकते हो, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है वो RRB PO को चूज कर सकते हैं और जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश में अपना स्कोर ज्यादा अच्छा निकाल सकते हैं, वो IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर हम ग्रामीण बैंक को लेकर चले तो हमारे पास हिंदी लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन रहता है वहां पर, है ना? ओके, बट हाँ ये आपने बात अच्छी बात बोली कि देखो अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो अगर हम कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जहां पर कट ऑफ थोड़ी लो है तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं, है ना? लेकिन अगर हमारी प्रिपरेशन देखिए अच्छी है तो हाई, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाई कट ऑफ को थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए डिम्पल, जैसे आपने स्टार्टिंग करी थी प्रिपरेशन करना, है ना, तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, आपने क्या किया हुआ है ग्रेजुएशन में? बीकॉम किया हुआ है, तो बीकॉम करने की वजह से आपने बैंकिंग को चूज किया या फिर कोई ऑप्शन और भी थे आपके पास? ऑप्शन तो
ऑप्शन थे सर, बट मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है, बिकॉज मुझे पर्सनली ये लाइन स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए अच्छी लगती है, वैसे भी सेफ रहती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है बैंकिंग लाइन। ओके सर, तो मतलब एक पैशन भी था, एक इंटरेस्ट भी था आपको उसमें? स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मुझे। एग्जैक्टली। अभी अच्छा, आपको कितने साल, आपको अभी आपने एक साल हो गया बताया कि आपकी प्रिपरेशन है ना, और अभी आपको 28 टू 30 तक आप एग्जाम दे सकते हो, है ना? तो आप क्या सोच के चलते हो कि मतलब क्या मैं 28 30 तक इसको ले जाऊंगी एक्सटेंड करके, या फिर एक साल दो साल के अंदर करना है? बस अभी 6 मंथ टू 1 ईयर हो जाएगा सिलेक्शन, डेफिनेटली हो जाएगा सिलेक्शन। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस रियली में। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, व्यूअर्स जो भी हमारे सुन रहे हैं, डिंपल जैसे कि उसने बताया कि रीजनिंग पढ़ी हुई है मुझसे, तो पर्सनली जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 90% स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, बाय नेम तो जानता हूं, बाय फेस तो कभी कभी नहीं जानता, लेकिन बाय नेम उनके परफॉर्मेंस मैं देखता रहता हूं, तो पता रहता है कि यार कौन सा स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कितना सिलेक्शन ले सकता है, कितना टाइम उसको लगेगा। तो डिंपल भी उनमें से एक है कि अभी इसने जस्ट स्टार्ट किया, प्रिपरेशन अभी कर रही है, एक साल हुआ है, बट ये है श्योर कि हाँ ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है क्योंकि इसकी तैयारी पूरी अच्छी है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है और वो आपने कर रखी है अच्छे से, है ना? ये चीज है। तो ये बताइए डिंपल की, जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में, तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया और मैंने कोई टफ पढ़ाई ले ली है, या फिर मुझे स्विच कर जाना चाहिए कहीं और? नहीं सर, कुछ तो सेल्फ मोटिवेशन आपका भी खुद का भी एक डेडिकेशन रहा होगा ना? सर एक्चुअली मेरे ना अंकल बैंक में ही हैं, तो मुझे उनको देख, और मेरी फैमिली में मेरी जनरेशन का कोई भी नहीं है जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो। ओके, सो आई वांट टू बी फर्स्ट चाइल्ड। ओके सो अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर आया डिंपल की, जैसे मान लीजिए आप हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2-3 साल प्रिपरेशन करी, एग्जाम आपका प्री निकला, मेंस निकला, कभी इंटरव्यू, मतलब आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर चेंज कर देते हैं, बोले यार लगता है मुझे गलत चूज कर लिया था, अब मैं 2-3 साल चलो एक दूसरी स्ट्रीम को चूज कर दो, एसएससी या रेलवे में चले गए, क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर, जिस वजह से आपकी सिलेक्शन जो प्रोग्राम को रेक्टिफाई करना चाहिए आपको, जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं, जिस सेक्शन में कम मार्क्स आते हैं आप उसको एनालाइज करते हो ना, कि एक रीजनिंग वीक है, सिलोगिज्म या कोई टॉपिक वीक है, तो उसी तरह हमें सिलेक्शन की गलतियों को भी रेक्टिफाई करना चाहिए कि कहां वीक पड़ रहे हैं, हम उसको क्रैक करें। एग्जैक्टली। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है जैसा आपने बोला ना अपनी गलतियों का, तो आप मॉक टेस्ट देते होगे आप बैंकिंग के लिए, कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक सिलेक्शन में मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट 100 में से 70% हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, वो इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, और रेगुलर देना चाहिए, रेगुलर वीक में एटलीस्ट, अगर प्रिपरेशन 60% तक हो चुकी है तो आप वीक में 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि लगा सकते हो, नो इश्यू, और अगर एग्जाम बिल्कुल पास में तो आपको 3 तो डेफिनेटली लगाने चाहिए। ओके, और ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन के बाद आप स्टार्ट करोगे, मॉक टेस्ट आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने चाहिए। ओके, तो डिंपल अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट तो ठीक है वो तो आपने लगा लिया प्रिपरेशन के बाद में, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 3 महीना या 4 महीना पढ़ के आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करा, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, तो क्या वो उसको रिवाइज करने के लिए आप कैसे करते हो, आप पूरा फिर से पढ़ते हो या फिर प्रैक्टिस से आपका रिवीजन होता रहता है, कैसे करते हो आप? सर अगर आप प्रैक्टिस बुक से प्रेफर कर रहे हो, कभी कभी जैसे मैथ्स की एज बुक आती है, किसी बुक से प्रेफर करो तो उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, समरी होता है, आप उसको रिवाइज करो, नहीं तो क्लास देखने की पूरी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, आप या तो क्लास को 2x स्पीड पर देखो या फिर पीडीएफ से पढ़ो, रिवीजन अच्छे से हो जाता है। ओके अच्छा, अगर मैं अब सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं ना, सबसे पहले हम लेते हैं इंग्लिश को, आप इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करते हो और कैसे करनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरी स्टार्टिंग थोड़ी सी वीक है, तो अभी फिलहाल मैं नरेंद्र सर से पढ़ रही हूँ, नरेंद्र कुमार सर से, अनअकैडमी पे, वो अच्छा पढ़ाते हैं काफी, और उनके एडिटोरियल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके, और एडिटोरियल डेली रीड करना है, न्यूज़पेपर भी डेली रीड करना है, एंड देन मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड और मार्क्स दोनों इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी बैकग्राउंड था कि इंग्लिश?
इंग्लिश था बट मेरे ग्रामर कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी ग्रामर कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ो देन प्रैक्टिस करो, हो जाता है। अब होने लगा मेरा। व्हाट अबाउट जैसे किसकी अगर इंग्लिश वीक है तो वो फिर डर जाता है। हाँ डर जाता है, बट आप एक बार ग्रामर कॉन्सेप्ट बेस्ड बना लो, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाता है। ओके भाई, ग्रामर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो बस अगर एक बार मैं बस एक बार देखता हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में जैसे बैंकिंग में अगर मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश के पेपर में ग्रामेटिकल और लिटरेचर पोर्शन कितना होता है? सर ग्रामर पोर्शन बहुत थोड़ा होता है, बट होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो उसमें रीडिंग पैसेज आता है ना, वो कभी कभी एडिटोरियल से याद जाते हैं। तो इसीलिए मस्ट है कि आप न्यूज पेपर डेली पढ़ो, क्योंकि अगर आपका फैमिलियर पैराग्राफ आएगा तो आप उसे इजिली क्रैक कर पाओगे। ओके बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने भी ये चीज नोटिस करी है कि जैसे एडिटोरियल्स होते हैं जो एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, हिंदू ले लीजिए या टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई और है ना, तो उसमें मैंने देखा कि एडिटोरियल्स जो आते हैं उसमें कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं हमेशा जो बार बार रिपीट होते हैं और एग्जाम में भी वो हमेशा उनमें से सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेता है, तो एडिटोरियल मस्ट है और वो करना ही चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम जो इंग्लिश टीचर है वो एडिटोरियल जरूर करवाते हैं ना। और एडिटोरियल में बार बार जो करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं ना, वही एग्जाम्स में आते हैं जो करंट अफेयर। एग्जैक्टली, मतलब साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होती जा रही है। यस, ये भी बात सही, ठीक है। एंड अच्छा, काफी लोग बोलते हैं इंग्लिश का अच्छा करने के लिए स्टोरी बुक भी पढ़ना चाहिए, मूवीज भी इंग्लिश में देखनी चाहिए। जिनको एडिटोरियल की हैबिट नहीं होती ना, एडिटोरियल की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। एग्जैक्टली, तो जिनको हैबिट डालनी होती है ना रीडिंग की, वो डेली रीडिंग कर पाए, तो उनके लिए स्टोरी बुक प्रेफरेबल रहती है, या फिर शॉर्ट पैराग्राफ भी ट्राई कर सकते हैं वो, जब उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी देन दे गो फॉर एडिटोरियल। तो आपने एडिटोरियल पढ़ा या कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कठिन शब्द आए, वोकैब बहुत कठिन आई, उसको कैसे क्रैक करेंगे फिर हम? सर आप गूगल कर सकते हो या फिर वोकैब 24 ऐप है उस पे ट्राई कर सकते हो, उसके सारे वर्ड्स मिल सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम सेंटेंस। तो मतलब वोकैब याद करते थे आप कि डेली आप पढ़ते रहते थे तो डेली पढ़ते हैं तो माइंड में रह जाते हो जाता है ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है ना। एंड ग्रामेटिकल पोर्शन आपने बोला कि नरेंद्र सर ने काफी कुछ इम्प्रूव कराया आपको है ना। ओके ओके ओके, तो इंग्लिश के आपने काफी कुछ अच्छा इनपुट दिया किस तरीके से। आई थिंक अगर जो भी लोग हमें सुन रहे होंगे तो वो भी इंग्लिश अगर प्रिपेयर करेंगे, अगर यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आराम से शायद उनका इंग्लिश अच्छा हो सकता है ना। ठीक है ठीक है, तो अब अगर दूसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं एंड दैट इज मैथ्स, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर मैथ्स में मैं प्रबल सर से पढ़ रही हूँ और वो वक्त ही में काफी अच्छा पढ़ाते हैं। कौन से सर से? मैं सुन नहीं पाया। मैं प्रबल सर से, प्रबल सर, प्रबल दावानिया। ओके ओके ओके, सबसे जरूरी मैथ्स में क्लर्क एग्जाम के लिए स्पीड मैथ्स है, क्योंकि अप्रोक्स 15-20 मार्क्स की स्पीड मैथ्स और डीआई ही आती है, जो की कैलकुलेशन से होती है केवल, लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई इन सबसे ही हो जाते हैं स्पीड में 20 मार्क्स 35 में से। एंड देन आपकी अर्थमेटिक के टॉपिक्स आते हैं 10 मार्क्स के, आप उनको 3 डे पर टॉपिक दोगे तो आपको इजीली क्रैक हो जाएगा, और 3 डे सफिशियंट है, लेवल 1 इजी एंड देन मॉडरेट देन हाई लेवल, और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके अच्छा, मैथमेटिक्स में अगर मैं आपसे बोलूं तो कुछ पोर्शन मैक्सिमम आता है डीआई हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंपलीफिकेशन हो गया, और बाकी हो गया वर्बल, जैसे कि टाइम इन वर्क, एवरेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस। व्हाट शुड बी अटेम्प्ट फर्स्ट इन एग्जाम? पहले स्पीड मैथ करना है, पहले सिंपलीफिकेशन, देन एप्रोक्सीमेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन नंबर सीरीज एंड डीआई। नंबर सीरीज एंड डीआई, ओके ओके। सो एंड व्हाट अबाउट, मतलब कि आपने आपके हिसाब से वर्बल लास्ट में करना चाहिए? यस सर, वर्बल सबसे लास्ट में, सबसे पहले स्पीड मैथ, इसमें सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, एप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक एंड डीआई इंक्लूड होता है, इससे आप 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। देन आप अर्थमेटिक के अगर क्वेश्चन आते हैं आप 8 भी करते हो तो हो जाते आपके। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक इंग्लिश में पैसेज आता है और मैथ्स में आपकी डीआई हो गई, तो 5-5 क्वेश्चन या 8-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्या ये नेसेसरी है कि हम पूरे 5 या पूरे 8 ही लगाएं उसमें से? सर डिपेंड करता है, अगर आपके पास इंग्लिश में लेते हैं जैसे, अगर आपके पास टाइम कम बचा है, 2 मिनट बचा और आपके पास पैराग्राफ है, अगर आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे टाइम निकल जाएगा, तो आप वोकैब के क्वेश्चन और एंटोनिम सिनोनिम पहले अटेम्प्ट कर लो, तो आपके 3-4 मार्क्स आ जाएंगे, टाइम बचे तो आप पैराग्राफ पे जा सकते हैं।
क्योंकि डीआई में भी जितना मैं समझ सकता हूँ कि डीआई में भी 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो दो तीन अगर आपके पास टाइम कम है तो उन पे ज्यादा हिट करो पहले, वो सही है। कैलकुलेशन इजी होता है, एडिशन सबसे इजी होता है, एडिशन देखे तो आपको फटाफट कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे मान लिया आपने मैथ्स अगर किसी टीचर से पढ़ लिया, बेसिक पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, देन प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते थे, मॉक टेस्ट लगाते थे। मॉक टेस्ट है ना, उसकी बस प्रिपरेशन मतलब आपका रिवीजन होता जाता है ना। आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो और फुल मॉक भी लगा सकते एग्जैक्टली। तो अब हम आते हैं फिर जीएस पे, आज करंट अफेयर्स, सॉरी करंट अफेयर्स एंड आपका स्टैटिक अवेयरनेस जो होती है जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, वो कैसे प्रिपेयर करते हो आप? सर करंट अफेयर मेनली मैं कपिल काटवाल सर से पढ़ती हूँ। आप डेली उनकी दो क्लासेस डेली पढ़ी है एंड देन डेली क्विज होता है उसका, सुबह क्लास होती है और शाम को क्विज होता है, तो वो डेली रिवाइज होता रहता है। ठीक है। और स्टैटिक में इतना फोर्स डालने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर से ही स्टैटिक कन्फर्म हो जाता है आपका। मतलब जैसे अगर कोई न्यूज गुजरात की है ना तो उसकी सब कुछ बता देंगे, मतलब वहाँ का कौन क्या है, स्टैटिक उसमें आपका कवर हो जाता है बहुत अच्छे से। और आप वीकली क्विज भी दें और फिर मंथली पीडीएफ भी पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, बाद में इतना लोड नहीं आता फिर। ओके। मेंस के टाइम में ना बस आपको रिवीजन करने का रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा एग्जाम इसी मंथ में है जून में, तो हमको कितने पहले की करंट अफेयर्स आप तैयार कर लेते हो? 6 मंथ और मेनली जिस मंथ में आपका एग्जाम है उस मंथ, उस मंथ का भी आपको करना है ना। अच्छा, जैसे अब कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपके हिसाब से आप क्या करते हो, क्या रेगुलर बेसिस पे आप 6 महीने पहले से पढ़ने लगते हो या फिर आखिरी के महीने में पूरा इकट्ठा वो कैप्सूल लेके पढ़ लिया? तो अभी करंट का चल रहा है, जैसे अभी जून चल रहा है तो मैं जून का तो डे वाइज करूंगी, जिस दिन मुझे टाइम मिला उस दिन मैंने पिछले महीने का एक दो दिन का कंप्लीट कर लिया, ऐसे कर करके करती हूँ, फिर जो बचता है वो मैं मंथ के एंड में या फिर वीक के एंड में कंप्लीट कर। ओके। तो मतलब डे बाय डे आपको करते रहना चाहिए ना। अच्छा, जैसे प्री में तो करंट अफेयर्स आता नहीं है, है ना, तो प्री में अगर नहीं आता तो काफी स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी होती है जब प्री में आना नहीं है तो फिर हम पढ़े भी ना। नहीं सर, तो लास्ट टाइम एसबीएम में सिर्फ 10 डेज मिले थे आपको, 10 डेज आप 6 मंथ के करंट अफेयर कैसे कर लोगे? एग्जैक्टली। तो हमें करंट अफेयर्स तो देखो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम डे वाइज उसका हैबिट अगर लेते चलते हैं, हैबिचुअल हो जाएंगे तो हमारा ही फायदा है ना, जितना हम गेन करें। अब ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने का ही आएगा, 7 महीने का भी आ सकता है, तो हमको पढ़ते बस डेली पढ़ लो और एक क्विज लगा लो, दैट इज इनफ। ओके। अच्छा, लेकिन करंट अफेयर्स में 6 महीने का फिर भूल भी तो जाते होंगे सर, मंथली रिवीजन होता रहता है ना तो नहीं भूलता, और मंथली क्विजेस भी आते रहते हैं। ओके। करंट अफेयर्स, अच्छा करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ते हो? जैसे कोई न्यूज आई फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ट्विटर बैन की न्यूज आई है ना, तो ट्विटर बैंड हुआ है, फिर इंडिया की तरफ से कू करके एक एप्लीकेशन है जिसको नाइजीरिया ने जो है अपला लिया है ना, अप्लाई कर दिया है, तो आप इसके बारे में पूरा न्यूज पढ़ते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस और उसके मेन पॉइंट्स बस? तो मैं इसको इंग्लिश के एडिटोरियल आरसी की तरह कन्वर्ट करती हूँ, मैं पहले पूरा रीडिंग करती हूँ, ग्राफ करने की कोशिश करती हूँ वो बोल क्या रहा है, फिर माइंड में मेन मेन हाईलाइट ऐड करके तो माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। ओके। तो बेसिकली ये है कि अगर एक दिन की पूरी जो न्यूज़ है अगर आप उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लिया, और आई थिंक अगर उसके ऊपर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगा लिया क्विज, तो फिर वो कवर हो जाता है ना। जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको याद रह जाता है, फिर आप भूलते नहीं। उसके नोट्स भी बनाते हो आप जीके के? करेंसी कैपिटल हो गई, ये सारी चीजें, ये सबसे वन टाइम नोट्स रहते हैं, एक बार नोट करने के बाद बस रिवाइज करना होता है। लेटेस्ट अभी आपने एग्जाम जैसे बोला कि एक साल से आप दे रहे हो, तो एक साल में काफी कुछ, अभी तो पहले की बात बोलूं अभी की बात बोलूं कि कुछ चेंजेस आपको देखा अभी की जो करंट अफेयर्स तो स्टैटिक है उनमें कितना जो है डिफरेंस आता है, कितना वेटेज आता है, और साथ में अभी बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं, स्टैटिक बहुत कम आता है, करंट अफेयर ही ज्यादा आता है, आपको फोकस करंट अफेयर पे रखना है, आपको उसी में स्टैटिक कवर होता है। ओके। और बैंकिंग अवेयरनेस? बैंकिंग अवेयरनेस सर मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूं तो मेरा है थोड़ा फ्री है,
ठीक है और बाकी जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोलूंगी कि आप अभी करंट अफेयर पे फोकस रखो, मंथ में आप सिर्फ 1 वीक बैंक उसके लिए निकाल लो, उसके कुछ चैप्टर्स हैं आप पहले इंडेक्स बनाओ, देन आप वीक वाइज चैप्टर करो तो आपको बहुत इजीली मेंस तक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके एंड बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज, यस सर, बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज और करंट अफेयर्स का वेटेज क्या आज भी 50-50 है या फिर थोड़ा कम ज्यादा है? थोड़ा कम ज्यादा है, बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा कम आता है, मतलब लाइक 40-60। ओके 60-40 करीब है ना? ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस कैसे फिर आप पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ा आपने? कपिल सर से। अच्छा, वो भी कपिल सर। ओके ठीक है, सो इस तरीके से आपने पूरा अपना जो है 3 सब्जेक्ट्स कवर कर लिया ना। अब हम आते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग पे। ठीक है, तो रीजनिंग कैसे पढ़ी आपने? रीजनिंग मैंने पहले हर चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ा था। Okay. नाम भी याद नहीं आपको किस किस टीचर से पढ़ता, मैं नाम लूंगी भी नहीं। एक चैप्टर मैंने बहुत सारे सारे टीचर से पढ़ा था, देन मुझे आप में लेके उसके बाद मैंने किसी टीचर से कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। Okay. और आज मेरे मॉक में रीजनिंग में 32+ आ जाते हैं। पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, देन आपको मॉक लगाना है और स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट करने की रहेगी। पहले हम एक्सपीरियंस करने हैं, देन पजल करने, पजल फर्स्ट नहीं करते। ओके, पजल पहले नहीं करना, छोटी पजल आपको देखने में इजी लगता है बट वो फिर फंसा देती है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, रीजनिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे गंदा टॉपिक कौन सा है? गंदा तो मुझे नहीं पता, फेवरेट से लॉगिक जो है गंदा तो मुझे नहीं पता। वो तो मेरा भी फेवरेट है। गंदा तो मुझे नहीं पता, फेवरेट तो सिलोजन तो मेरा भी फेवरेट है। मैंने हमेशा बोला कि सिलोज तो मेरा भी बहुत फेवरेट है। और है ना, तो रीजनिंग में आई थिंक कि वो तो सारी चीजें मतलब स्टूडेंट हमसे देखते ही रहता, सुनता ही रहता सारी चीजें, तो रीजनिंग का भी वही है स्ट्रेटजी आपने। लेकिन नहीं है तब। ओके, तो पजल वगैरह तो काफी टफ लगती है लोगों को, पजल सेटिंग करने नहीं है। हम लोगों ने लगभग कितना प्रैक्टिस किया होगा सेटिंग और पजल का? बहुत, मतलब कम से कम 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कर लिए होंगे ना, आराम से, बहुत ज्यादा किए थे और आई थिंक काफी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो गई थी। यस सर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद भी, लेकिन वो एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप 2 दिन भी छोड़ देते हो तो फिर तीसरे दिन छोड़ दिया तो फिर आप भूल जाओगे। एग्जैक्टली, है ना, वो सारी मेहनत फिर बेकार। मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं दिन में कम से कम 10 पजल करूं, देन मेरी पजल सेटिंग में स्ट्रांग हो गई। ओके, तो एक दिन में कितना आप करती थी पजल? 10 पजल, 10 से 12। 10 पजल आप लगाती थी? लगाती थी, एग्जाम टाइम था। अभी आपको कोई डर नहीं लगता है कोई भी पजल आ जाए? अब नहीं लगता। बहुत बढ़िया। और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि 1 घंटे में लगा के आराम से? टाइम में बहुत आराम से जाता है, रीजनिंग से होता है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की बात, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे आपने भी पढ़ाई करी होगी और बहुत सारे ऐसे आपके सामने चैलेंजेस आए होंगे जब आप डिमोटिवेट हो गए हो, या फिर कभी आपका मन नहीं लगा, कभी आपको लगा कहाँ मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा आया? और अगर आया तो क्या क्या चीजें थी और कैसे उसको ओवरकम किया आपने? सर आया भी और अभी भी आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कब से लगी हुई है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, या फिर जैसे मैं नाइट में स्टडी करती हूँ, मैं दिन में स्टडी नहीं करती, मतलब मुझसे हो ही नहीं पाती, तो फिर रात में जाग के रूटीन खराब होता है ये सब। लेकिन ठीक है, वो सब चुप हो जाएंगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब अपने आप चुप हो जाएंगे। मेरा मोटिवेशन सिर्फ यही है, सिलेक्शन के बाद कुछ बोलेगा ही नहीं। ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं? रिलेटिव्स गलत में बोलते, ठीक है रूटीन गलत है लेकिन इट्स बेनिफिशियल फॉर मी, अच्छी कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है मेरा नाइट में पर्सनली। ओके, कोई शर्मा जी होंगे, शर्मा जी बोलते होंगे ना, शर्मा जी का बेटा हमेशा अच्छा करता है। ठीक है, तो मतलब कि चैलेंजेस आए बहुत सारे है ना, लेकिन उसको ओवरकम फिर भी करना तो है ही हम लोगों को, बहुत सारी चीजें। अच्छा, आपको आपका सबसे अच्छा मेंटर कौन है लाइफ में? ये तो सामने वाली बात हो गई, बस मुंह देखेगी, अभी तो मैं बैठा हूँ इसलिए आपके बाद प्रबल सर मैथ्स में। ओके, नहीं ये तो टीचर्स में हो गए, चलो ठीक है, टीचर्स में आपने बोला कि मेंटर्स ही आते हैं, कभी कभी लाइफ का भी मेंटर होता है ना जो हमेशा आपको सही से एकदम बूस्टअप कर देता होगा।
सर एक्चुअली मेरी लाइफ में मुझे गाइडेंस मिली ही बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस है नहीं ज्यादा। और बस एक बार मुझे गाइड किया था मेरी सिस्टर ने, मैं साइंस साइड लेने वाली थी, बट उन्होंने कहा था साइंस साइड मत ले, कॉमर्स मतलब कुछ और ले ला, आर्ट्स कॉमर्स साइंस साइड मत। वो मेरा बेस्ट गाइडेंस था लाइफ का। ओके, बाकी मुझे गाइडेंस बहुत कम मिली है। ठीक है। और अच्छा, आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आता है ना, वो बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी सारी चीजें बताओ, और आते भी होगे मे भी, तो आप फिर उसको गाइड कर लेते हो आराम से कर लेते हो? ऐसे सब बोलते हैं ना, मोटिवेट बहुत अच्छा कर लेते हो। अच्छा, फिर तो ये तो फिर सेल्फ मोटिवेट भी हो जाते होगे। हाँ सर, हो जाते हैं। कैसे होता है सेल्फ? कभी कभी डिमोटिवेशन भी आ जाता है, कभी कभी मोटिवेट भी हो जाता है। बस यही है कि सिलेक्शन लेना है तो बस लेना है, जिद पूरी करनी है। कैसे होता है सेल्फ मोटिवेशन, कैसे कैसे लेते हो? अगर नहीं किया तो फिर लोग कहेंगे ना कितना टाइम वेस्ट किया, और फिर अपने आप को भी रिग्रेट रहता है, मैंने इतनी मेहनत की किसके लिए करी, अब इतनी आगे आ चुकी हूँ तो पीछे नहीं जाना है, अब आगे ही जाना है, सिलेक्शन लेना ही है जिद। मतलब हर चीज मोटिवेशन आई थिंक वो डायरेक्टली क्या है, डेडिकेशन होता है अंदर, आप एक सीरियसनेस होनी चाहिए कि हाँ मुझे जो चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो करना है ना। हम लोग बिलीव इन योरसेल्फ एंड डेडिकेशन, बस। एग्जैक्टली, हम लोग क्या करते हैं कि 7 महीना किसी ऊपर बहुत मेहनत कर ली, लेकिन उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने फिर उसको छोड़ दिया। यस सर, होता है ऐसा, लगता है कोई सामने वाला अगर कोई आपका कलीग सक्सेस हो जाता है किसी और फील्ड में, ऐसा लगता है हम उसमें चले जाए, बट नहीं, आपने जो किया वो ठीक है, आप बिलीव रखो और वो कंसर्न रहो। अच्छा, आपके साथ में भी बहुत सारे आपके ऐसे कलीग्स होंगे, साथ में आपके फ्रेंड्स होंगे कॉलेज के, जो शायद कहीं काफी अच्छी जगह प्लेस हो चुके होंगे इस टाइम पर, ऐसा है? बट एक मेरे मन में ये आता है, वो अभी हैं, आने वाले टाइम में मैं और जाऊंगी, उनसे भी अच्छे जाऊंगी बस। ओके, ठीक है। तो मतलब वो रिग्रेट तो नहीं होता कभी कि यार वो वहां पहुंच गए हम नहीं पहुंच पाए? नहीं, बिल्कुल। एग्जैक्टली, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा सबके पास कोई ना कोई चीज होती है और लिखी हुई है, और टाइम टू टाइम वो मिलती है ना, तो वो टाइम पे मिलेगी ना। हाँ, तो हमें उसके लिए एफर्ट लगाते रहना चाहिए, हो सकता है उन्होंने उतनी एफर्ट लगा दी तो वो पहुंच गए, और हमारी एफर्ट अभी बाकी है ना। तो काफी ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये सोचते होंगे कि यार इतने साल हो गए प्रिपरेशन को लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो कभी कभी होता है कि डिलेड हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो। Exactly, डेडिकेशन है तो फिर तो मिलेगा है ना। ओके, अच्छा एक चीज और बताइए कि इफ नॉट बैंक नहीं हो पाया 1 साल 2 साल 3 साल, देन व्हाट इज प्लान बी? तो मेरा प्लान भी ऑलरेडी वर्किंग पे है। आई हैव डन फाइनेंशियल मॉडलिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट बिकॉज़ आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, हो चुका है, देन उससे प्लेसमेंट भी होने ही वाली है, देन मैं जॉब के साथ ही बैंकिंग की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर। तो फिर आई थिंक वो तो आप आराम से आज जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह आप लग सकते हो अभी भी। यस सर, अभी ना वो कोर्स अभी लास्ट वीक ही खत्म हुआ है, तो उसकी प्लेसमेंट प्रोसेस कंटिन्यूज में अभी तो आती रहती है, रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज आते रहते हैं, तो उसमें जॉब लग जाएगी, देन मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर। ओके, अच्छा प्राइवेट बैंक्स भी बहुत ज्यादा है ना, वहां पर भी रिक्रूटमेंट होते हैं, और गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, मणिपाल के थ्रू भी आपने देखा कि अभी गवर्नमेंट बैंक्स भी उसके थ्रू कराते हैं, प्राइवेट भी कराते हैं, आईसीआईसीआई एचडीएफसी। व्हाट डू यू प्रेफर, गवर्नमेंट नौकरी ज्यादा बेटर है कि प्राइवेट बैंक नौकरी ज्यादा बेटर है? क्यों? क्योंकि हमारे घर में नहीं है कोई, है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, तो मतलब आई थिंक कि जॉब तो सारी बेटर है ना, जॉब तो सारी बेटर है, सारी बेटर है, बस आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। एग्जैक्ट, तो आपका इंटरेस्ट अभी मतलब गवर्नमेंट में है, तो गवर्नमेंट में ही जाना है ना। ओके, सो तो लास्ट अगर हम कंक्लूड करें डिम्पल आपके साथ, तो व्हाट डू आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे जितने व्यूअर्स हैं, क्योंकि देखो ये प्लेटफॉर्म है जिसपे एसएससी का भी स्टूडेंट है, रेलवे का भी है, बैंकिंग का भी है, कोई कॉमन ऐसा मैसेज जो सभी के लिए यूजफुल रहे? यस, आप लोग जो भी प्रिपरेशन करें बस डेडिकेशन से करें, डीमोटिवेट ना हो, आपकी प्रिपरेशन जरूर वर्क करेगी, बस आप बीच में ना छोड़ोगे अब नहीं हो रहा। अब जैसे यूपीएससी की है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें सब सब चीजें आती है, टाइम लगता है, मैं मानती हूँ हार्ड है, लेकिन आप कर सकते हो, तभी तो गए हो आप उसमें। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड डेडिकेशन से करते रहो, ऑल द बेस्ट।
बिल्कुल। सो आई होप कि दीपल आपको काफी अच्छा लगा वो सेशन आज, और मुझे तो काफी रियलिटी में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आपके साथ इतनी सारी बातें करी, इतने सारे अच्छे आपने इनपुट्स दिए। और देखो मैटर नहीं करता कि हम सेलेक्टिव हैं या नहीं है अभी, है ना। सेलेक्ट होना चलो ठीक है, एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाता है, बट जो सिलेक्शन अभी नहीं ले पा रहा है लेकिन उसने इतनी मेहनत करी कि एक्सपीरियंस तो उसके पास भी है ना। तो मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ कि सिलेक्शन वाले कैंडिडेट्स का तो हम हमेशा इंटरव्यू करते हैं, बट जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उसने भी बहुत सारी चीजें गेन करी है, उसने भी बहुत मेहनत करी, और सरकमस्टेंसेस उसके साथ भी सारी चीजें, फेलियर सक्सेस सब कुछ उसने देखा। तो भाई आपके इनपुट बहुत अच्छे लगे मुझे, और आई थिंक जो व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे उनको भी आपके इनपुट्स काफी अच्छे लगे होंगे। एंड आई होप आपने भी सेशन काफी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। ओके okay. ओवरऑल मेरी जर्नी काफी अच्छी रही है अभी तक, और जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी। बिल्कुल, आई विश यू द ऑल द बेस्ट कि आपकी ये जर्नी आगे भी बहुत अच्छी लगे, और आगे जब हम इंटरव्यू करें कभी भी तो अब एक सिलेक्शन लेने के बाद इंटरव्यू करें, उसका फिर आपको एक्सपीरियंस कैसा है वो भी हम पूछेंगे आपसे, है ना। सो ओके, थैंक यू सो मच डिम्पल फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सो दोस्तों ये थी डिम्पल सचदेवा, और जिन्होंने बताई अपनी बैंकिंग की जर्नी जो कि अभी 1 साल से प्रिपरेशन कर रही है। होप सो, आई विश ऑल द बेस्ट टू हर, ये बहुत जल्द अपना सिलेक्शन लेंगी और वापस फिर से बहुत जल्द हमारे साथ वापस एक इंटरव्यू करेंगी। तो आप भी लगे रहिए डेडिकेशन के साथ, सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती अगर वो सही दिशा में ईमानदारी से करी जाए तो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग बाय बाय स्टडी स्टूडियोज एंड अनअकैडमी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।